Hello friends, welcome once again. In this lecture of syllogism, we will see possibility cases having all and some in the statement. इससे previous lecture में हमने देखा था इस statement जिसके अंदर खाली all था या खाली some था. But now we will merge all and some in the statement. So we will use the rules for both. जो हमने पहले वीडियो में देखे थे खाली all के लिए और खाली some के लिए, इसके अंदर हम दोनों को मर्ज करके यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले आपको ऑल और सम के रूल पता होने चाहिए जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करे थे. जो फ्रेंड्स इस वाले वीडियो को देख रहे हैं सीधा, तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले इसे प्रीवियस लेक्चर को देखें ताकि आप ऑल और सम के रूल को समझ सकें और उसको आसान से सॉल्व कर सकें. सो लेट डिस्कस दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ड्रॉ बेसिक डायग्राम. वी ऑलवेज हैव टू ड्रॉ बेसिक डायग्राम फर्स्ट. हमें सबसे पहले बेसिक डायग्राम ही बनाना पड़ेगा. क्या है? ऑल रूम आर बिल्डिंग. ऑल रूम आर बिल्डिंग. रूम आर बिल्डिंग. ऑल रूम आर बिल्डिंग. Some building are road. Some building are road. Some road are metro. Some road are metro. All metro are cars. ये बेसिक डायग्राम है. दिस इज द बेसिक डायग्राम. सो हमने इसे कैसे बनाया? लेट्स सी. ऑल रूम आर बिल्डिंग. ऑल रूम आर बिल्डिंग बेसिक डायग्राम होता है ऑल का. ऑल रूम आर बिल्डिंग. सम बिल्डिंग आर रोड. कुछ बिल्डिंग रोड है. सम बिल्डिंग आर रोड बेसिक डायग्राम बनाया सम का. ठीक है. सम रोड आर मेट्रो. ये रोड था. सम रोड आर मेट्रो. सम रोड आर मेट्रो. मेट्रो ये है, रोड ये है. कुछ रोड मेट्रो है. ऑल मेट्रो आर कार्स. जितनी मेट्रो है वो कार्स हैं. तो ये कार्स हो गया, ये मेट्रो अंदर आ गया. बेसिक डायग्राम से हमने इसको बना दिया ऑल और सम के बेसिक डायग्राम से. नाउ हाउ वी विल सॉल्व इट. सी फर्स्ट can be, can be possibility. So we are 100% sure that these are the case of possibility. Now we will use possibility rules to solve this. Some room can be building. We have to compare room and building. We want relationship between room and building. हमें room और building के बीच में relationship चाहिए. अब room और building कैसे जुड़े हुए हैं? All से. रूम अंदर है, बिल्डिंग बाहर है. क्या होता था जब हम ऑल में अंदर से बाहर आते थे? When we came from inward to outwards, then no possibility. ये रूल था हमारा. जब भी हम ऑल में रूम से बिल्डिंग अंदर से बाहर आएंगे तो क्या होगा? कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी हमारे पास. रॉन्ग हो गया. सम मेट्रो कैन बी रोड. सम रूम कैन बी बिल्डिंग हमारे पास रॉन्ग हो गया. इसका अब आप ये सोच सकते हैं कि ये रूम तो बिल्डिंग में है. रूम तो सारे बिल्डिंग में है, तो कुछ रूम तो बिल्डिंग होंगे. यू कैन आस्क क्वेश्चन दैट इफ ऑल रूम आर बिल्डिंग देन इट इज ऑब्वियस दैट सम रूम कैन बी बिल्डिंग. जब सभी रूम बिल्डिंग है तो कुछ रूम बिल्डिंग तो होंगे होंगे. लेकिन क्या कह रहा है? सम रूम कैन बी. जो चीज हमारे पास 100% श्योर है कि कुछ रूम बिल्डिंग तो है ही. जब सब रूम बिल्डिंग है तो कुछ रूम तो बिल्डिंग है ही. जो चीज हमारे पास 100% श्योर होती है उसको हम कभी भी पॉसिबिलिटी में नहीं लेते. अब ऐसे समझते हैं हम, एक्स की वैल्यू अगर 1 है
हमने कहा x इज इक्वल टू वन, तो ये हमारे पास डेफिनेट है ना कि x की वैल्यू वन है. हम ये नहीं लिख सकते ना x कैन बी वन, बिकॉज वी नो x इज इक्वल टू वन, x की वैल्यू वन है. लेकिन अगर यही हमारे पास ऐसे होता x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, अब x या तो वन से बड़ा होगा या वन होगा. अब हम कह सकते हैं x कैन बी वन. अब ये पॉसिबिलिटी हो गई कि x कैन बी वन, x वन हो सकता है. लेकिन जहां डेफिनेट है कि x वन है वहां तो हम कैन भी नहीं लगाएंगे ना. सेम लाइकवेज इफ वी आर श्योर दैट ऑल रूम्स आर बिल्डिंग, वी नो फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट ऑल रूम आर बिल्डिंग. ओके, सो इट इज ऑब्वियस दैट इफ ऑल रूम आर बिल्डिंग देन सम रूम विल बी बिल्डिंग, एंड इफ सम रूम विल बी बिल्डिंग इज डेफिनेटली ट्रू, देन हाउ इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी. सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, एंड फ्रॉम द रूल्स वी कैन इजिली कैलकुलेट दैट नो पॉसिबिलिटी. वी आर कमिंग फ्रॉम इनवर्ट टू आउटपुट, जब हम अंदर से बाहर आते हैं तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो गलत हो गया. सम मेट्रो कैन बी रोड, ये मेट्रो है, कैन बी रोड. रोड और मेट्रो में क्या आ गया, सम वाले रूल यूज करेंगे हम. सम वाला रूल क्या था हमारे पास, इन दोनों को जब हमें कंपेयर करना होता है तो पास पास में है दोनों, ऑल और सम नॉट, ये दोनों सही होते हैं. ऐसे हो गया ना, ए और बी, बी और सी समझ सकते हैं, इसे हम बी और सी को कंपेयर करना है तो ऑल और सम नॉट होंगे. अगर इन दोनों को कंपेयर करना होता, दूर वाले को कंपेयर करना होता है तो सारे हो जाते हैं ऑल बी, सम बी, नो बी, सम नॉट बी. लेकिन हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, ऐसे था ना, जो हमने सम वाला वीडियो देखा था उसमें ये था कि अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो क्या होगा, ऑल और सम नॉट, खाली खाली ऑल और सम नॉट फॉलो करेंगे. ठीक है, अगर इन दोनों कंपेयर करना है, इसके अंदर इन दोनों को कंपेयर करना है. यहां पे क्या है, सम मेट्रो कैन बी, ना तो ऑल है ना सम नॉट है, सम है खाली, सम नॉट नहीं है, सम है. ये गलत हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑल बिल्डिंग बीइंग कार, बिल्डिंग का है ये कार का ही है. अब क्या हुआ, दूर वाले जिनमें ओवरलैपिंग नहीं है, दूर वाले सम में हमने देखा था, सम में हमने क्या देखा था, ए बी सी, अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो ऑल भी सही होगा, नो भी सही होगा, सम भी सही होगा, सम नॉट भी, चारों कंक्लूजन सही होंगे. दूर वालों को कंपेयर करना है हमें, ए को और सी को, तो चारों सही होंगे. इसमें क्या है, बिल्डिंग एरा पॉसिबिलिटी, सॉरी कार्स एरा, बिल्डिंग और कार दूर दूर है, मतलब ए और सी है, ए और सी में सारे फॉलो होते हैं, सही हो गया.